जहां एक तरफ भारत में हथियारों की सबसे बड़ी फैक्ट्री खुली और पाकिस्तानी एक्सपर्ट बौखलाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ WTO में थाईलैंड ने ऐसा क्या किया कि भारत नाराज हो गया और राजदूत तक को बायकॉट कर दिया भारत ने। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 3 घंटे की ड्राइव पर कानपुर में एक गोला बारूद की फैक्ट्री बनाई गई है। ये दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी डिफेंस फैक्ट्री होगी, जिसका उद्देश्य भारत की डिफेंस जरूरतों के साथ वैश्विक मांग को पूरा करना है। 500 एकड़ में फैली ये फैसिलिटी अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के 3,000 करोड़ के निवेश का हिस्सा है। ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस फैसिलिटी में मिसाइल तक का निर्माण होगा। इस फैक्ट्री में छोटे कैलिबर की गोलियां बननी शुरू हो गई हैं। 15 करोड़ गोलियां बनाई जाएंगी। अदानी ग्रुप के अनुमान के मुताबिक ये भारत की जरूरत का 25% है, जिसे समय के साथ बढ़ाया जाएगा। मध्यम क्षमता वाले गोला बारूद बनाने से पहले हाई कैलिबर आर्टिलरी गोले बनाए जाएंगे, लेकिन इसे देखकर पाकिस्तान के एक्सपर्ट बौखला गए हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट सबसे पहले इस उद्घाटन के दिन को लेकर बौखलाए हैं, जो 26 फरवरी है। ये वही दिन है जब पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने कहा कि भारत का विमान पाकिस्तान ने गिराया था, तभी से वो अपने डिफेंस को मजबूत करने में लगा है। भारत अब ड्रोन घर में बनाना चाहता है। कमर चीमा ने आगे CM योगी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि योगी उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश की कोशिश में लगे रहते हैं। पाकिस्तानी नेताओं को लताड़ लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारत के हर राज्य में एक कॉम्पिटिशन है कि वो ज्यादा से ज्यादा निवेश अपने राज्य में लाएं। इसके लिए सरकारें जमीन, बिजली और बहुत सारी मुफ्त सुविधाएं देती है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा है। यहाँ निवेश करने वाले से हर चीज का कमीशन लिया जाता है। हम अपनी जमीनों पर मकान बना रहे हैं, खेती करने की जगह उस पर कॉलोनी बनाई जा रही है, बल्कि भारतीय अपने जमीनों पर फैक्ट्रियां बना रहे हैं। पाकिस्तान में क्योंकि सेना सब कुछ कंट्रोल करती है, ऐसे में CM योगी के साथ इंडियन आर्मी चीफ को देखकर उन्होंने हैरानी जताई। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में आर्मी चीफ तभी आते हैं जब PM साफ होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत 2-फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत स्वदेशी पर काम कर रहा है, वो अपने लिए नहीं बल्कि निर्यात के लिए भी देख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बहुत से और भी देश भारत में अब पैसा लगाएंगे, क्योंकि वो उसकी ताकत को समझ रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड पे नाराज क्यों हो गया है भारत। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में थाईलैंड के राजदूत ने भारत के खिलाफ बयान देकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। WTO में थाईलैंड की राजदूत पिंचनोक वोंकोरपोन पिटफील्ड ने भारत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सब्सिडी वाले चावल बांटने पर आपत्ति जता दी है। थाई राजदूत ने कहा है कि भारत सब्सिडी वाला चावल का उपयोग करके एक्सपोर्ट मार्केट पर हावी हो जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने थाई राजदूत के इस बयान पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और थाई राजदूत की मौजूदगी वाले कुछ सामूहिक चर्चाओं में भाग लेने से इनकार कर दिया। थाईलैंड के राजदूत ने बयान भारत के चावल पर भारी सब्सिडी पर दी, जिस पर कहा कि भारत बहुत सब्सिडी देता है, जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाजार में बढ़त मिलती है और अमीर देशों ने इसका कुछ समर्थन भी किया। दरअसल थाईलैंड वर्षों से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बोली बोलता रहा है। ये अमीर देश अपने हित साधने के लिए थाईलैंड को आगे कर देते हैं, जो 10 साल से भी ज्यादा समय से पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए एक स्थायी समाधान का रास्ता निकालने नहीं दे रहा है। इधर भारतीय अधिकारियों ने थाई राजदूत के बयान पर असंतोष व्यक्त करते हुए थाई सरकार को अपनी चिंता से अवगत कराया। कहा गया कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस मुद्दे को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई और यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष वाल्डिस ड्रोम्बोस्की के साथ भी उठाया है। उन्होंने अपनी शिकायत में इस बात पर जोर दिया है कि भारत के लिए ऐसी भाषा और ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं है। वहीं भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि थाई राजदूत के फैक्ट्स गलत हैं। उन्होंने कहा कि देश में उत्पादित चावल का लगभग 40% हिस्सा सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों की तरफ से बाकी चावल बाजार मूल्य पर निर्यात किया जाता है। आपको बता दें, वैश्विक बाजार में भारतीय चावल की हिस्सेदारी लगातार
बढ़ रही है। वैश्विक चावल व्यापार में भारत का हिस्सा 40% है। गैर बासमती चावल पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भारत ने चावल के बाजार में शीर्ष निर्यातक का खिताब बरकरार रखा है। भारत पर विकसित देश ये आरोप लगाते हैं कि भारत सरकार किसानों से सब्सिडी पर चावल खरीद कर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचती है, जिससे वैश्विक व्यापार में असंतुलन पैदा हो रहा है। हालांकि भारतीय अधिकारियों के अनुसार ये पूरी तरह से सही नहीं है। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक WTO के नियम इस तरह से बनाए गए हैं कि उनसे अमीर देशों को फायदा होता है। उन्होंने बताया कि सब्सिडी की गणना के लिए जो मूल्य है उसको तय किया जाता है। 35 साल पुराने गलत गणना की वजह से भारत चावल के उत्पादन मूल्य के 10% सब्सिडी सीमा को पार करके दोषी बन जाता है। हालांकि भारत की इस गलती को लेकर कोई भी देश WTO में उसे दोषी नहीं ठहरा सकता है, क्योंकि एक दशक पहले ही सदस्य राष्ट्रों ने सहमति व्यक्त की थी कि जब तक एक नया फॉर्मूला स्थापित नहीं हो जाता है तब तक वो किसी पर कोई नियम नहीं थोपेंगे। अमीर देश अब आयात शुल्क कम करने से झिझक रहे हैं, जिसके कारण विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का मुद्दा 2 साल के लिए टल गया है। दरअसल कोविड के बाद दुनिया भर के देश खाद्य सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं। दुनिया भर के देशों ने ये महसूस किया है कि खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के समान ही है, इसलिए किसी भी अन्य चीज से पहले इस पर ध्यान देने की जरूरत है। खैर, थाईलैंड हो या कोई भी देश हो, WTO में सब खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और ऐसा ही यहाँ पर होता हुआ दिख भी रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ म्यांमार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। खास तौर पर म्यांमार की जो जुंटा सरकार है वो चाइनीज बॉर्डर पर अपने ग्रिप को खो रही है और वहाँ पर रिबेल ग्रुप्स का ज्यादा यहाँ पर बोलबाला हो रहा है। वैसे तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें भारत के तरफ से भी एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा म्यांमार। इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह शाही के नेतृत्व में ये प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और इन्होंने यहाँ पर मुलाकात की है म्यांमार के जो सैन्य अधिकारी हैं उनसे। हालांकि सैन्य अधिकारियों के मन में क्षोभ ही दिख रहा है और उदास से दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ असम राइफल्स ने 5 म्यांमार के लोगों को पकड़ा मिजोरम में और ये लोग भारत और म्यांमार दोनों की करेंसी लेकर घूम रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भारत चाहता है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में फेंसिंग हो जाए, यानी कि बाड़ लग जाए, जिससे ये जो आने जाने का घुसने का संकट है ये संकट खत्म हो जाए, वरना पता चलेगा कि भारत में बड़ी संख्या में म्यांमार के लोग घुसे हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।